हाय, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल पे जो सेल होता है वो एक ही सेल के अंदर आप कैसे मल्टीपल लाइंस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हूँ और इस टेबल पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1, 2, शायद ये बहुत और ज्यादा भी हो सकते हैं, और नेम ऑफ कंट्री है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे उन कंट्रीज के थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैं वो ऐड किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इंडिया के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे जो इंडिया लिखा है इस कॉलम सी पे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया। तो ये देखिए, ये एक ही सेल है। जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं ना इस सेल के अंदर, तो एक ही सेल आता है, वो है आपका D4। ये सेल का नाम है D4। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही सेल के अंदर आपका लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट या नंबर बाय नंबर आप बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 के हिसाब से इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर उसी तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी देखते हैं तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया का भी पॉइंट वाइज 1, 2, 3 ये पॉइंट वाइज उस कंट्री के डिस्क्रिप्शन यहां बनाया गया है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं या फिर इसको मैं कैसे किया, उसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि जब भी आपका ये जरूरत पड़ेगा, आप अगर कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए गए हैं, जॉब इंटरव्यू चल रहा है, या फिर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ये रिक्वायरमेंट आ रहा है लिखने का, तो आप इस प्रोसेस के हेल्प से ऐसे वो टेबल बना सकते हैं या फिर किसी भी सेल पे आप टेक्स्ट का मल्टीपल लाइंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो पहले इसको समझने के लिए मैं मैनुअली यहां पे एक टाइप करता हूं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या लिखते हैं पहले कि इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहां पे मेरा पॉइंट 1 खत्म होता है, फिर पॉइंट 2 में शुरू करूंगा और यहां पे हम लोग लिखते हैं इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, यस इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और नंबर 3 वाला जो पॉइंट है वहां पे मैं ये लिखूंगा 7th लार्जेस्ट कंट्री बाई लैंड एरिया। हो गया ना, बहुत अच्छा। चलो इसको मैं लिख लिया, लिखने के बाद अभी मैं क्या करता हूं, इसको एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए कैसे हो रहा है कि यहां पे ऊपर इस सेल पे जो लिखा हुआ है सेम चीजें मैं ऊपर से नीचे यहां टाइप किया हूं इस सेल पे, लेकिन यहां पे कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है मुझे, स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 पॉइंट वाइज दिख रहा है, लेकिन इस सेल पे वो पॉइंट वाइज नहीं दिख रहा है और ये ओवरलैप हो गया, कहीं राइट साइड में जा रहा है, मुझे ऐसा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, तो इसको ठीक करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की है, जो मैं यहां पे आपको दिखाया था थंबनेल पे, वो है ऑल्ट एंटर, मतलब ऑल्ट प्लस एंटर। आपको ऑल्ट का जो की है उसको कीबोर्ड पे प्रेस करके रखना पड़ेगा, फिर आप जब एंटर करेंगे तो आपका जो है मल्टीपल लाइंस बनने के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलिए पहले इस पे क्लिक करके यहां पे जाते हैं और फिर हमारे जो पॉइंट 1 है उसका जो सेंटेंस जहां पे फुल स्टॉप है लास्ट पे आते हैं, और देखिए यहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो मेरा कर्सर ब्रिक कर रहा है तो मुझे यहां क्या करना है, इसी जगह पे ऑल्ट का की प्रेस करके रखना है और फिर एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं ऑल्ट की को प्रेस करके रख रहा हूं और प्लस एंटर की को प्रेस कर दे रहा हूं, तो मेरा जो ये लाइन है मल्टीपल लाइन बन के नीचे आ गया है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, एंटर, वाओ, लेकिन नंबर 3 जो है, नंबर 3 वाला पॉइंट वो भी नीचे नहीं आया, तो यहां पे भी वैसे करते हैं। तो नंबर 2 का जो पॉइंट जहां पे फुल स्टॉप के बाद ये जो एंड होता है वहां पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए यहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मुझे यहां पे क्या करना है, ऑल्ट एंटर, ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूं मेरा जो है नीचे और एक लाइन बन जा रहा है, तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दे रहे हैं यहां पे, वाओ देखिए, और यहां पे एक स्पेस है उसे भी बैक स्पेस से हटाते हैं, एंटर करते हैं। तो ये जब मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि इस सेल पे जैसे ही मेरा मल्टीपल लाइंस बने हुए हैं टेक्स्ट के, इस सेल पे भी मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट के बन गए हैं, है ना, ये बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा शॉर्टकट की है, जबकि आप एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस ऐसे बना सकते हैं, वो है आपका ऑल्ट प्लस एंटर, ये आपको करना है और ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, फिर एंटर की प्रेस करना है, जब भी आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं आपको हल्का सा और एक रिविजन करा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी ये टाइम भी बहुत कम है। ओके देखिए ये ऐसा दिख रहा था, तो आपको क्या करना है, जिस लाइन से आपको इसको नीचे लाना है आप वहां तक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस 2 जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2, इसको नीचे लाना है, तो वहां पे आपका, वहां पे मैं क्लिक किया और मेरा कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है, तो मुझे अभी क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करना है, उसको प्रेस करके वैसे ही रखे रहना है और
और एंटर की प्रेस कर देना है। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस कर दिया तो मेरा ये जो लाइन है वो नीचे आ गया, मतलब मल्टीपल लाइन बन जा रहा है अभी इस सेल के अंदर ही। तो उसी हिसाब से हम लोग पॉइंट नंबर 3 के पास आएंगे और यहां पे मैं क्लिक किया, मेरा यहां पर कर्सर अभी क्लिक कर रहा है या ब्लिंक कर रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, शॉर्टकट की क्या है वो, यस ऑल्ट एंटर। जैसे ही मैं प्रेस किया मेरा ये जो लाइन है वो मल्टीपल लाइन बन के नीचे आ गया, और इसको फिर मैं अलाइनमेंट कर सकता हूं या फिर लेफ्ट इंडेंट जो भी आप बोले इसको ऐसे करके सजा के रख सकता हूं। दिख रहा है ना अभी मेरा ये डेटा बहुत ही अच्छा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो आपको जब भी कहीं जॉब इंटरव्यू चल रहा हो या फिर आप कोई कंपनी ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, आपका अगर ये रिक्वायरमेंट आता है तो आप डेफिनेटली ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल करके एक ही सेल के अंदर आप मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं या मल्टीपल रोज बना सकते हैं उसके अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और जो लोग मेरे इस वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं थैंक यू सो मच उन सब के लिए, और बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं चाहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप इस वीडियो को और चैनल को आगे से बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं या फिर जो जॉब सीकर्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं लेकिन इस बारे में उनका आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की एक्सेल फॉर्मूला या फिर कोई टेक्नोलॉजी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।